ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सलार पाकिस्तान वापस आ रहा होता है तो उसके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है होता है कि सुरेश जो कुछ कह रहा था क्या वो सच है आखिर क्यों सबको ऐसा लगता है कि मैं सितारा से मोहब्बत करता हूँ मैं तो सितारा से कभी मोहब्बत नहीं की और ना ही कभी कर सकता लेकिन न जानने चाहते हुए भी सलार के माइंड में बस सितारा ही आ रही है तभी सलार कहते हैं की क्या हो गया मुझे मैं उसके बारे में इतना आजकल सोचना क्यूँ शुरू हो चुका सलार तो किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान जा रहा है लेकिन शायद उसे इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है की वो सितारा ऐसी भी मिलकर यूनिवर्सिटी में आएगा सलार की घरवालों को इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि सलार इतनी जल्दी वापस पाकिस्तान आ जाएगा क्योंकि अब उसके माँ बाप को यही लग रहा था कि सलार के साथ कनाडा में ही रहेगा जब तक तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ताहिर तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद आखिरकार मिर्जा साहब ने सिक्स मंथ के लिए मेरे साथ डील फाइनलाइज कर दिया लेकिन उसे ये बात नहीं पता की उसका बेटा आने के बाद सब कुछ तहस नहस कर दे वो कभी भी इस डील को फाइनलाइज नहीं रहने देगा क्यूँकी जब ऐसी वो जान चुका है की सहबा और मेरे रिश्ते को लेकर ये डील हुई थी तभी से बहुत बुरा भी लगता है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा सभा और जुनेद को तो पता होता है कि सलार आज वापस पाकिस्तान आ जाएगा लेकिन अपने मोम और डैड को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताते उनको यही लगेगा की जुनेद को सब कुछ पता है तो जरूर जुनेद सलार को वापस पाकिस्तान किसी न किसी मकसद के लिए बुलाया होगा अब सभा और जुनेद जैसे अपने मोम और डैड के घर जाते है क्यूँकी उनको बहुत अच्छे तरीके ऐसी अंदाजा होता है की इस वक्त सलार की फ्लाइट का टाइम है तो सलार इस वक्त घर पहुँच जाए तब बैठ अब बहुत ही आराम से बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से सलार की एंट्री हो जाती है ये देख ताहिर तो इतना हैरान होता है कि उसे यकीन ही नहीं आ पाता वाकई सलार वापिस आ गया है तभी कहते हैं कि सलार तुम आओ तुम इतनी जल्दी वापिस कैसे आ गए क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया ये बात सुनने के बाद सलार कहते हैं कि नहीं मेरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मैं किसी और का यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जरूर आया हूँ ये बात सुनने के बाद तभी भाई कहते है क्या मतलब है इसका बात का मैं कुछ समझा नहीं हूँ तभी सर कहते है कि छोड़िए अभी मतलब को थोड़ा मुझे रिलैक्स करने दें उसके बाद इन सब के मतलब मैं आप लोगों को समझा दूंगा तभी सलाट जैसे रेस्ट करने के बाद अपने माँ बाप के पास आता है तो काफी अच्छा खासा का तमाशा भी लगाता है तभी फलार ताहिर से कहते हैं कि आपको क्या लगा था कि आप मेरी शादी साहबा के साथ करवा देंगे इसीलिए तो आपने मिर्जा साहब के साथ डील को फाइनलाइज किया लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं ये शादी किसी भी सूरत नहीं करूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए आपको क्या लगता था कि साहबा मेरे साथ फ्लाइट में जाएगी तो हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी इन फैक्ट हम दोनों फ्लाइट में साथ गए या नहीं गए ये तो अलग मैटर आप जानते हैं कि जिस दिन से हम कनाडा गए हम दोनों ने मिला भी नहीं और हम ना ही बाहर घूमने के लिए गए लेकिन आपकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो बात सुनने के बाद तभी ताहिर कहता है की बेटा ये में किसने कह दिया कि हमने सिक्स मंथ के लिए डील को फाइनलाइज किया ये बात सुनने के बाद सलार कहते हैं आपको क्या लगता है आप कुछ भी करेंगे मेरी जिंदगी के बारे में तो मुझे पता नहीं चलेगा तभी आप बहुत ताहिर को गुस्सा भी आता है क्योंकि उसको यही लग रहा था जो कुछ भी हुआ जुनेद नहीं सलार को सब कुछ बताया क्यूँकी उस वक्त जुनेद भी तो वहाँ पर मौजूद था तभी कहते है की आप जुनेद की हुआ तो मैं उससे याद करवा के ही रहूँ लेकिन ताहिर को इस बात का आइडिया भी नहीं की उसकी अपनी बेटी ने उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की तभी सलार अब मिर्जा को और जरा को करते हैं कहते हैं कि आप लोग हमारे घर आ जाए मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन मेरे मोम और डैड ने आपसे करवाए थे वो फॉल भी अपने साथ लेकर जरूर आएगा तभी जारा और मिर्जा आ जाती हैं लेकिन इस बात और मेहरीन को तो आइडिया भी नहीं होता की सलार उनको अपने घर पर बुलाकर हमें कितनी ज्यादा इंसल्ट करवाएगा अब जैसे ही सारा और मिर्जा साहब आ जाते हैं तभी सलार कहते हैं की आंटी अंकल मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत सोरी करता हूँ की मेरे मोम और डैड ने जो कुछ भी किया आपके साथ बहुत ही गलत किया आपकी बेटी को मोहरा बनाने के बाद आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए अगर मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं ये सब कुछ कभी भी ना होने देती क्योंकि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता मैं किसी लड़की को भी अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता तो क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं मुझे नहीं और मैं सहबा से शादी नहीं करूंगा ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं और न ही मैं किसी की इंसल्ट करना चाहता हूं क्योंकि हूँ एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर भी डिजर्व करती है ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ मेरे हॉबीज डिफरेंट है क्यूँकी सहबा एक बिजनेस की बेटी है और को भी अपने बाप की तरह और अपनी माँ की तरह बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है जबकि आप मेरी बात का यकीन कीजिए मुझे तो बिजनेस की ए बी सी का भी नहीं पता मैं पेट लवर हूँ और मेरा इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं मेरा पैशन फोटोग्राफी है इन दोनों के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता और आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाऊँ क्योंकि मैं बिजनेस की तरफ कभी भी नहीं आने वाला ये बात सुनने के बाद तभी मिर्जा कहता है की अपने बाप को समझाऊँ क्यूँ हमारी बेटी को इमोशनली ब्लैक मेल कर रही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ये बात सुनकर कहते हैं की अंकल और आंटी आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकते हैं मुझे कोई भी एतराज नहीं हो लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप भी एक माँ बाप है और अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कैसी ऐसी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन पर वो भी बिजनेस के हवाले से आप जानते हैं कि आपकी बेटी को जब पता चलेगा ये बिजनेस डील हुई थी शादी तक तो उसके दिल पर क्या गुजरी थी आप उसे भी पैसों में बिजनेस में ही इन्वॉल्व करके उसकी शादी करने जा रहे थे ये बात सुनकर तभी जारा मिर्जा कहते है की बेटा हम तो अपनी बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए तुम्हें वाकई बहुत पसंद करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है यही वजह थी कि उसके लिए हमने ये सब कुछ कर दिया क्योंकि बेटा जो कुछ भी हमारा है वो हमारी बेटी का ही तो है और मैं अपनी बेटी को रोता हुआ कभी भी नहीं देखना चाहती सलाह कहते हैं कि अंकल आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि साहबा मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगी आप उसका किसी अच्छी सी जगह कर दे जो इंसान साहबा को भी खुश रखे और उसके साथ वो खुश भी रहे ये बात सुनने के बाद तभी अब मिर्जा वो फाइल को पकड़ लेता है और उसको फाड़ देता है तभी कहता है की ताहिर सिकंदर आज के बाद हमारे दरम्यान जो भी डील हुई थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है और कैंसिल करने वाला तुम्हारा अपना बेटा है अब ताहिर सिकंदर के पास से कहने को कुछ भी नहीं बाकी रहता क्योंकि वो तो बहुत ही खुश था इस डील के ओके होने की वजह से लेकिन मेहरीन और ताहिर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आता है की अगर इसने हमारे साथ डील कर ही ली थी तो इस तरह से उस डील से इनकार नहीं करना चाहिए था जारा मिर्जा वहाँ से चले तो जाते हैं और सलार भी वहाँ से उठ चला जाता है तभी ताहिर महरीन से कहते है की आखिर तुम अपनी बेटी को समझाती क्यूँ नहीं हमारा बेटा दिन ब दिन अब हमारे हाथों से निकलता जा रहा है ये बात सुनने के बाद तभी मेहन कहती है कि अगर वो मेरा बेटा है तो वो बेटा आपका भी है मैंने तो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझा ही नहीं अगर आप चाहें तो आप उसे फिर से समझा सकते है हो सकता है तो आपकी बात ही समझ गई बात सुनने के बाद तभी ताहिर कहते हैं की न जाने ये लड़का क्या करेगा इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है आप जानती हैं की कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा था और जो हमारे हाथों से निकल गया कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़के की नलायकी और बेवकूफी की वजह से हमें ये दिन भी देखने को मिलेंगे ये बात सुनकर तभी महरीन कहती है कि न जाने आखिर ये करता क्या है और इसको आखिर कैसे पता चला इस दिल के बारे में क्योंकि हमने तो इस डील के बारे में किसी को भी नहीं बताया था ये बात सुनकर तभी ताहिर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि मिर्जा साहब या फिर जारा ने ही कॉल करके बताया होगा तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से उनकी हमायत कर रहा था ताहिर कहते है कि अगर तुम्हारा बेटा साहबा के साथ शादी नहीं करना चाहता तो अपने बेटे से पूछो कि आखिर वो शादी किसके साथ करना चाहते हैं मुझे भी तो पता चले आखिर वो कौन पड़ी है या फिर उस दो टगे की लड़की से ही शादी करना चाहता है जो किसी आम से मोहल्ले में रहती हो ये बात सुनने के बाद तभी मेरी कहते है की खामोश हो जाए इस वक्त पहले ही वो टेंशन है और आप और ज्यादा टेंशन दे रहे है ये बात सुनने के बाद तभी ताहिर वहाँ से उठकर चला जाता है ताहिर कहता है कि न जाने क्या ये लड़का एक दिन कर बैठे दूसरी तरफ सलार जो पाकिस्तान आ चुका है तो वो अब सितारा से मिलना चाहता था क्योंकि वो जाना चाहता था कि आखिर क्या वजह है कि सितारा ये सब कुछ क्यों कर रही सलार अब सितारा की यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाता है लेकिन उसे ये बात का आइडिया भी नहीं होता की पिक एंड ड्रॉप अब सितारा को सलमान दे रहा ये सलमान तो पहले ही सलार से बदला ले रहा था किसी न किसी तरह से सितारा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद और जैसे ही अब ये पिक जब उसे देता है तो सितारा इसी बात पर भी बहुत खुश होती है की आखिरकार उसका एडमिशन सलमान ने करवा ही दिया क्यूँकी उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी की सलमान का एडमिशन भी करवाएगा लेकिन सितारा कभी भी सलमान ऐसी मोहब्बत नहीं करेगी और ना ही उसे शादी करने का सोच भी सकती है। लेकिन सलमान तो दिल ही दिल में बहुत खुश भी होता है की जो कुछ मैंने चाह वैसा ही हुआ क्योंकि अब उसे इस बात की जल्दी होती है कि कब सलार हम दोनों को साथ देखेगा और वो भी बहुत ज्यादा खुश फिर मैं देखूंगा सल्तारा को और सलमान को तरपता हुआ और मैं सितारा को अब कभी भी सलार के पास नहीं जाने दूंगा क्योंकि इस बात का इलम तो अब सलमान को नहीं होता कि सलार वापस आ चुका है क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि सलार अभी कुछ देर बाद ही आएगा क्योंकि अभी उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा की सलार अपना पैशन अपना सब कुछ सिर्फ सितारा की वजह से छोड़ देता है जब देखता है की सितारा सलमान के साथ है तभी हमसे सितारा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी करता है कि देखो सितारा तुम्हारे हिस्से में नहीं है लेकिन सलार कहते है कि तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो सितारा तुम जानती हो बहुत अच्छे तरीके से कि सलमान एक अच्छा लड़का नहीं है इसके बावजूद भी तुम सलमान के साथ सितारा कहती है कि मैं क्या हूँ या क्या नहीं एटलीस्ट वो मेरी क्लास का लड़का तो है क्योंकि मैं एक बहुत ही अमीर जादा ऐसी शादी कभी भी नहीं करूँ तभी सलार कि तुमने तो कहा था तुम अपना फ्यूचर बनवाना चाहती हो लेकिन तुम सलमान के साथ क्या हो ये बात सुनने के बाद तभी आप सितारा सलमान का हाथ पकड़ती है और वहाँ से आ जाती है। ये देख कर तभी अब सलार को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है की एक घटिया शख्स जिसके साथ सितारा शादी करने जा रही सितारा को एटलीस्ट सोचना तो चाहिए की सलमान उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है आप बहुत ही ज्यादा सितारा को वो बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश भी करेगा लेकिन सतारा अब कभी भी सलार की बातों में नहीं आने वाला। सतारा कहती है कि आप तो पाकिस्तान से चले गए थे फिर पाकिस्तान आने की वापस जरूरत ही क्या थी क्योंकि मैं तुम्हारी मनहू शक्ल भी देखना नहीं चाहती अब जैसे सितारा भी अपने घर आ जाती है और सलमान भी सितारा तो किसी को भी नहीं बताती की आज मेरे साथ क्या होने वाला था क्यूँकी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके ऐसी सलार की परेशानी में तो यहाँ पर इजाफा ही हो जाएगा की आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सितारा सलार को छोड़कर इस तरह सलमान के पास चली जाएगी अब यहाँ पर सलार को अपनी मोहब्बत का जाहिर होना शुरू हो जाएगा कि वो वाकई सितारा से मोहब्बत करता है कि सितारा को किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता सलार की घरवालों को इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि सलार इतनी जल्दी वापस पाकिस्तान आ जाएगा क्योंकि अब उसके माँ बाप को यही लग रहा था कि सलार के साथ कनाडा में ही रहेगा जब तक तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ताहिर तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद आखिरकार मिर्जा साहब ने सिक्स मंथस के लिए मेरे साथ डील फाइनलाइज कर दिया लेकिन उसे ये बात नहीं पता की उसका बेटा आने के बाद सब कुछ तहस नहस कर दे वो कभी भी इस डील को फाइनलाइज नहीं रहने देगा क्योंकि जब से वो जान चुका है कि सहबा और मेरे रिश्ते को लेकर ये डील हुई थी तभी बहुत बुरा भी लगता है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर भी मेरे बिजनेस करना चाहते तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा सबा और जुनेद को तो पता होता है की सलार आज वापस पाकिस्तान आ जाएगा लेकिन अपने मोम और डैड को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताते उनको यही लगेगा की जुनेद को सब कुछ पता है तो जरूर जुनेद ने इस सलार को वापस पाकिस्तान किसी न किसी मकसद के लिए बुलाया होगा अब सबा और जुनेद जैसे अपने मोम और डैड के घर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होता है ये इस वक्त सलार की फ्लाइट का टाइम है तो सलार इस वक्त घर पहुंच जाए तब बैठकर अब